अजीब सर का धन्यवाद करूंगी, धन्यवाद करूंगी, थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का आप सबके सामने मौका दिया है। तो पहले तो सबसे पहले आपका आभार एंड शुक्रिया, आत्मा नमस्ते सभी को, और आपके भीतर धन्यवाद बैठे परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम, और आपका कीमती धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने इस एकेडमी को ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। देन सबसे पहले मैं, आपने जैसे कि हमारी फैकल्टी ने अभी गुरु सरस्वती वंदना से किया, तो हमने अपने पितरों को सबको हमने याद कर लिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फेस रीडिंग। जैसे कि आप वेबिनार का हमारा टॉपिक है कि हम फेस के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेस हमारा एक आईना है, और हम फेस को देख के हम उसके बारे में किसी की भी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फेस रीडिंग के बारे में बताऊंगी कि फेस रीडिंग दो तरह की होती है। एक फेस रीडिंग वैसे जो हमारा, जो हमारे इंडिया का जो शास्त्र है वो वैदिक समुद्र शास्त्र है, जो जिसमें हमारा फेस के बारे में पूरी, उसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है। तो वो ग्रंथ के ऊपर हमारा जो इंडिया ने रिसर्च बहुत कम किया है, लेकिन चाइनीज ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। और चाइनीज ने जो इसके ऊपर रिसर्च की, तो 90% जो रेजोनेट करने वाली जो चीजें थी उसके ऊपर उन्होंने फेस रीडिंग का जो ये बुक लिखी। और उस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको पता है कि एआई के अकॉर्डिंग कोई भी डाटा अगर 70 या 80% रेजोनेट करता है तो इट मीन्स वो साइंस ओके है। तो हमारी जो फेस रीडिंग की जो हमारी ये साइंस है, ये जो हमारा साइंटिफिक, हमारे जो फिजियोनॉमिस्ट हैं चाइनीज के, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको साइंटिफिक प्रूव किया है। और आप देखेंगे धीरे धीरे इस कोर्स में, आप देखेंगे कि आपको वो रेजोनेट करोगे अपने रिलेटिव्स का, अपने आप से, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के, आप रेजोनेट करोगे कि वाकई ये बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको पीपीटी शेयर करती हूँ, जस्ट वेट, तब आप आपके पास अच्छे से राइट्स समझ हैं, पाएंगे। आपके पास को-होस्ट राइट है, आप शेयर कर सकते हैं। जी ये शेयर हो रही है, दिखाई दे रहा है? मैं अभी शेयर नहीं हुआ। आपके पास शेयर ऑप्शन आ रहा है, जी आ रहा है। अभी शेयरिंग पे चला गया, जी अभी शेयर हो गया। जी देखिए सर, सबसे पहले हम फेस रीडिंग की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये आया कहाँ से है, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो साइंटिफिक अप्रूवल करेंगे कि हमारा जो ये वैदिक समुद्र शास्त्र है ये बना कैसे। तो आप देखिए, जैसे हमारे विष्णु भगवान है, ये देखिए शैया पर लेटे हैं, तो ऐसे ही वो क्या करते थे कि लेटे लेटे जो हमारी हम लोग, जैसे कि हमारे मन के अंदर भगवान है, तो हम क्या करते हैं, खुश होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं। तो क्या हुआ कि वो भगवान विष्णु लेटे लेटे, जैसे ही हम लोग हंसते थे या कोई हमें दुख आता था, वो दुखी हो जाते थे, वो परेशान हो जाते थे। अगर कोई खुशी हो रहा है तो वो खुश हो जाते थे। तो क्या होता था कि उनके जो फेस के एक्सप्रेशन था वो चेंज होते रहते थे। अगर हम इंसानों को जैसे हम नीचे ऊपर से देखते रहते थे, तो क्या हुआ कि समुद्र देवता उनको बड़े डीपली ऑब्जर्व करते थे कि विष्णु भगवान के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज कैसे हो। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा जिसको कहते हैं वैदिक समुद्र शास्त्र। और ये वैदिक समुद्र शास्त्र जो है वो संस्कृत में बहुत एक डीपली लेवल पे, इतनी मतलब डीपली लेवल पे लिखा हुआ है वो संस्कृत, जिसको कि हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, और इसीलिए इसकी जो पर्टिकुलर है वो बुक इसके ऊपर नहीं है। पर कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने भी बहुत सारी बुक्स खरीदी, लेकिन मैंने जब उनको पढ़ा तो उसमें से कुछ चीजें रेजोनेट ही नहीं हुई, क्योंकि वो उस टाइम पे लिखी गई थी और आजकल के टाइम पे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन चाइनीज ने इसको रिसर्च किया और उसके ऊपर उन्होंने उस पे जितना उनको समझ आया उन्होंने रिसर्च किया, और आज के टाइम पे उसकी जो उस पे चेंजेस किए, और वो
90% जो उस डाटा को उन्होंने कलेक्ट किया, जो कि हम सबके फेस को देख के उनको रेजोनेट हुआ, तो वो उसको साइंटिफिक अप्रूव किया। देन आप देखिए, जैसे कि अब देखिए, हम जो इस कोर्स में जो पढ़ेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं एक मिनट, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए, एक मिनट मुझे स्क्रीन देखने दीजिए। मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों के फेस इतने सालों में चेंजेस हुए हैं? हमारी जो बॉडी में कुछ चेंजेस आए या फेस में कुछ चेंजेस कुछ देखे, अपने फोटोग्राफ्स देखे, पिछले यंग एज में देखे, उसके बाद थोड़ी और एज हुई तो आप देखे कि क्या हमारी फेस चेंज हुए? कितने लोग यस इसमें रेजोनेट करेंगे कि चेंज हुए हैं? मैम, यस और आपको मैं यस ये मैम, बताऊं कि अगर हमारे फेस चेंज हुए हैं तो आप नोटिस कीजिए, हमारा नेचर भी चेंज हुआ है। जिन चीजों पे हम एग्री नहीं होते थे या जिन चीजों पे हम रिएक्ट करते थे, वो आज हम हमारे फेस के चेंज के अकॉर्डिंग हम अपने नेचर को भी चेंज करते हुए पा रहे हैं। आप नोटिस कीजिए। तो ये चीज है कि हम इसको चेंज, हमारा अगर फेस चेंज होता है तो हमारा नेचर चेंज होता है, और अगर हमारा नेचर चेंज होता है तो फेस हमारा ऑटोमेटिकली होता है। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारा सबसे जल्दी चेंज होने वाला पार्ट नोज है। नोज हमारा सबसे जल्दी चेंज होता है। आप देखिए, हमारे जितने भी फिल्म स्टार हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, इनको आप देखिए पुरानी पिक्चरों में या उनके फोटोग्राफ्स देखिए, तो उसमें उनके नोज चेंज होते हैं। जैसे उनके नोज चेंज होने हैं, वैसे उनके उनके करियर वगैरह होते हैं। अब लेस अब हम देखते हैं कि फेस रीडिंग जस्ट है क्या है। देखिए, फेस रीडिंग जो है वो हमारी फेशियल फीचर्स को बताकर हम अंडरस्टैंड करते हैं, कि पर्सनैलिटी प्रडिक्शन करते हैं कि वो बंदे का करेक्टर कैसा है, वो उस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। हम इस फेस रीडिंग में ये पढ़ेंगे कि उस बंदे का करेक्टर कैसा है, वो बंदा गुस्से वाला है, वो बंदा शांत है, कैसा है, हम उसका नेचर बता सकते हैं। फेस रीडिंग अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आप किसी की भी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम एनालिटिकल कर सकते हैं। जैसे फेस रीडिंग को हम देखिए समुद्रिक, वैदिक समुद्र शास्त्र भी कहते हैं, और इसको फिजियोनॉमी भी कहते हैं। चाइनीज भाषा में जो उन्होंने हमें दिया है वो फिजियोनॉमी है, और जो हमारा अपना शास्त्र है वो वैदिक समुद्र शास्त्र है। उसके बाद देखिए, अगर हम ये आप सब ये क्वेश्चन करेंगे कि मैम, अगर फेस रीडिंग हम सीख रहे हैं, हम किसी को प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये बताइए हमें इसका फायदा क्या होगा? फायदा भी होना चाहिए। किसी भी साइंस को हम अगर सीखते हैं तो हम किस एरिया में आपको ये सीखने का फायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि अगर हम इन अ बिजनेस पार्टनरशिप और लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, मान लीजिए अगर हमने किसी बिजनेस पार्टनरशिप को जो पार्टनर है उसको हमने चूज करना है और लाइफ पार्टनर चूज करना है, तो क्या होता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे वो बिजनेस पार्टनर, क्या वो हमारी उम्मीदों में खरा उतरेगा? क्या हम जो चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग वो चलेगा? क्या वो हमारे नेचर, जो मेरा नेचर है, मान लीजिए मैं अग्रेसिव हूं, तो क्या वो मुझे झेल पाएगा? तो हम जो है उसका पेशेंस लेवल कितना है, हम उस बंदे का पेशेंस लेवल भी चेक कर सकते हैं फेस रीडिंग से, कि भाई क्या वो हमें झेल पाएगा, या मैं इस अकॉर्डिंग हूँ, मेरा फेस ऐसा है, तो क्या मैं उसको उसका फेस दे के जज कर सकता हूँ? या जो हम लाइफ पार्टनर अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं, तो क्या वो हमारे बेटा बेटी या कोई भी रिलेशन के लिए क्या वो लाइफ पार्टनर सही है? क्या वो एडजस्ट करने वाला है? हम इसमें ये जज करेंगे। नेक्स्ट है, नो द ट्रूथ विदाउट एनी डिटेल। देखिए, फेस रीडिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, हमें उसकी कोई कुंडली नहीं चाहिए, हमें उसका कोई न्यूमरोलॉजी नहीं हमें आनी चाहिए, कुछ आने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट उसकी एक फोटोग्राफ चाहिए, देन या सामने वो प्रेजेंट हो बंदा, हमें उसकी बस ये चाहिए, बाकी हमें उसकी कोई डिटेल नहीं चाहिए। इसका एक ये बेनिफिट है। नेक्स्ट है हमारा, यू कैन हेल्प पीपल टू फाइंड आउट देयर हिडन पोटेंशियल। देखिए, सबसे पहले हिडन पोटेंशियल, अब आप कहेंगे जैसे
मान लीजिए किसी ने, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी कि जैसे किसी ने बिजनेस खोला है अपना और वो बिजनेस रन कर रहा है, लेकिन अगर वो हमारे सामने आता है तो अगर हमें फेस रीडिंग आएगी तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि यार ये बिजनेस तेरा चल नहीं रहा है क्योंकि तू तो बिजनेस के लिए बना ही नहीं है। हम उसके फेस से जज कर देंगे कि ये जॉब के लिए बनाया बंदा है कि बिजनेस के लिए बना है। इसमें हम फेस पर्सनैलिटी के साथ साथ उसका प्रोफेशन भी हम जान पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमें कुंडली देखनी पड़ती है या हमें न्यूमरोलॉजिकल जज करना पड़ता है कि इसका बीएन क्या है, डीएन क्या है, तो हमें उसका प्रोफेशन होगा। लेकिन फेस से हम उसके प्रोफेशन जान सकते हैं कि भाई ये बंदा बना किसके लिए है। सबसे बड़ी बात है कि उसकी हिडन पोटेंशियल, वो हार्ड वर्क है या वो टेक्निकल काम के लिए बना है या वो किसी आर्ट काम के लिए बना है, वो बंदा है बना किसके लिए है, तो ये हम उसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम कन्फ्लिक्ट, कोई भी पर्सन है चाहे हम किसी भी रिलेशन में माने, तो हम किसी भी रिलेशन में कन्फ्लिक्ट होने के लिए क्या कारण होते हैं? यही होते हैं कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से किसी भी रिलेशन में कंफ्लिक्ट आता है। तो इस कोर्स करने से आपको ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगे कि यार हम जो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, ये तो ये बंदा है ही नहीं है। तो हम क्या होगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, नहीं यार मैं तो गलत ट्रैक पे था या मैं गलत ट्रैक पे थी, मैं तो इस बंदे से कुछ और ही उम्मीद लगा रही है, तो ये बंदा तो वैसा कर ही नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम इससे अपने रिलेशंस जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन इजीली डिटेक्ट लाइज। देखिए सबसे बड़ी बात, हम किसी का झूठ भी पकड़ सकते हैं। अब आप हंसेंगे कि मैम ये कोई मशीन थोड़ा ना है कि हम किसी का झूठ कैसे पकड़ लें। देखिए मैं इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगी कि जैसे मान लीजिए आपने अपने ऑफिस में किसी को रखना है, किसी एम्प्लॉय को रखना है, तो आप देखेंगे कि वो जब वो अपना रिज्यूम देते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं। आपने रिज्यूम देखा होगा, उसमें बहुत सारे कॉलम्स लिखे होते हैं। वो मतलब कोई जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो एक कॉपी पेस्ट करके एक रिज्यूम बनाते हैं और उस रिज्यूम में वो टिक करते रहते हैं कि हाँ जी ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। लेकिन बट आप अगर आपके सामने वो बंदा है, फोटोग्राफ है, तो आप उसका झूठ पकड़ सकते हैं, यार ये बंदा तो यहाँ पे तो इसने टिक किया है पर इसका फेस तो मुझे ये बताता नहीं है कि ये बंदा हार्ड वर्क है, ये तो बस बातें बातें करेगा, ये काम नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ी इसका ये बेनिफिट है। नेक्स्ट है लिमिट योर एक्सपेक्टेशन। वही जो सबसे पहले मैंने बताया कि हम जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर देंगे, लिमिट कर देंगे, ताकि हम एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव भावनाएं ना रखें। आगे देखिए, चलिए अब आप बोलेंगे कि मैम हम वेबिनार के लिए आए हैं तो आप हमें क्या सिखाएंगे। क्लास में तो आप भर भर के सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा वेबिनार में हमारे इतने सारे पार्टिसिपेंट आए हैं, हमारे भाई बहन आए हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सिखाना है ताकि जब ये वेबिनार से जाएं तो 100 में से 10% तो सीख के जाएं, ताकि वो इसी में जज कर सकें कि वही क्या है। चलिए अब हम बात करेंगे आपके फेस की। पहले मैं कोर्स कंटेंट बता दूं कि पहले आप थोड़ा सीखेंगे? बताइए, आपसे पूछते हैं, पहले कोर्स के बारे में बताऊं कि पहले आप थोड़ा सा सीखेंगे? आशीष आई थिंक यस लर्निंग पे ध्यान देते हैं, लर्निंग पे ध्यान देते हैं। यस, लर्निंग करते हैं, राइट जी। लेकिन सर मुझे थोड़ा सा ये राइट, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सर सबको? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, कंटिन्यू जी जी प्लीज। यस सर। अच्छा जी, हम देखिए ये आपका फेस है, हम अपने फेस को, आप प्लीज थोड़ा सा मेरी तरफ, मेरा दिख रही है वीडियो और दिख रहा है जी? यस यस, दिख रहे हैं आप, करें आप। देखिए हम अपने फेस को
वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिवाइड करेंगी। सब अपने अपने ध्यान से देखिए कि आपने कहाँ पे इसको डिवाइड करना है और कैसे आपने इसको देखना है। देखिए हमारे थ्री पार्ट्स होंगे, 1, 2 एंड 3। जो लोब था ये है हमारी, ये हमारा फोर हेड है। जो अबव द है आईब्रो, आईब्रो से ऊपर, और हमारी हेयर लाइन जो है यहाँ से नीचे। यहाँ से आप अपनी अपनी फिंगर्स देखिए और मुझे सभी बताओ कि आपका फोर हेड कितना है। सभी कीजिए अपना फोर हेड और मुझे बताइए अपनी फिंगर, जिसकी भी जितनी फिंगर्स आ रही हैं वो आप नोटिस कीजिए आपका कितना फोर हेड है, कितनी फिंगर्स आपके फोर हेड में आ रही है। ध्यान रखना है आपने जो आपकी हेयर लाइन है वहां पे आपकी फर्स्ट ये उंगली होनी चाहिए, और अबव ऑफ द आईब्रो वहां तक आपकी ये सबसे छोटी उंगली होनी चाहिए। फोर फिंगर्स फोर फिंगर्स, यस यस, ये फोर फिंगर राइट। ये हमारा फर्स्ट जोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल जोन। फर्स्ट हमारा हो गया मेंटल जोन। किसी का देखिए फोर होगा, फोर फिंगर्स होगा, किसी का थ्री होगा, किसी का फाइव होगा। लेकिन आप नोटिस करेंगे, मैं आपको वैदिक समुद्र शास्त्र का एक टिप देती हूँ या मेंटल जोन का, कि आप देखिएगा कि जो भी ओकल्ट साइंस में होंगे उनके फोर या फाइव फिंगर्स होंगी फोर हेड की। इसका भी रीजन है, वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगी कि हमारा जो फोर हेड है वो बड़े क्यों है। तो फोर एंड फाइव हमारा होगा, पर कई लोगों के थ्री भी होता है। ऐसा नहीं है कि सभी का ही होगा, पर मोस्टली हम जैसे जिस जर्नी पे चल रहे हैं या जिस हमारी ये हमारी ओकल साइंस की जो ये जर्नी चल रही है उसमें मोस्टली जो है वो फोर या फाइव फिंगर्स हमारे फोर हेड में आएंगे। तो मोस्टली फोर फिंगर। उसके बाद हमारा नीचे आईब्रो से नीचे और नोज की टिप तक, नेक्स्ट देखिए कितनी फिंगर्स आ रही है। प्रमोद जी आपकी तीन है, शायद थ्री फिंगर्स है, पांच नोज पे, नोज नोज ओनली, यस थ्री फिंगर्स है, यस नोज पे आपकी थ्री फिंगर्स आई हैं, और फोर शायद मे भी आपका फोर फिंगर्स आपका फोर हेड है, थ्री फिंगर्स आपका फोर हेड। दोबारा देखिए, बालों को मत उठाइए आप, बालों को जो हेयर लाइन है आपकी वहां से करके, यस फोर फोर फोर, यस यस मैम, आपके आपका बताइए आपका कितना है। सभी की स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, एक मिनट। अगर आप प्रेजेंटेशन लगाएंगे तो आपको सबकी स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, तो दोनों में एक बारी में एक चीज़ आएगी। यस सर, अल्फा है कि सर मैंने तो स्पेक्स पहने ही नहीं है। आप चैट में देखिए, चैट में सबने अपने अपने अल्फा, आंसर्स डाले हैं। यस यस अल्फा जी आपका कितना है। मैम 3 आ रही है, आई थिंक 3 है ना, ये करेक्ट है ना? यस यस नोज आपका थ्री है। फोर हेड कितना है, फोर 4 हेड फोर, यस राइट। तो आज बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है कि आप देखिए देखिएगा कि जिनके थ्री आ रहे हैं वो कैसे हैं और जिनके फोर आ रहे हैं वो कैसे हैं, राइट। अच्छा ये हो गया आपका सोशल जोन, यानी कि इमोशनल, आप कितने इमोशनल हो आप इसे जज कर पाएंगे, राइट। उसके बाद फिंगर रखिए आप नोज के नीचे से और आपके चिन तक कि कितने फिंगर्स आ रहे हैं। फोर, प्रमोद जी आपके कितने हैं, फोर, और यस। चलिए अब सभी ने मेजरमेंट कर लिया और अब हम देखेंगे कि हम कैसे हैं। चलिए देखिए, जिन लोगों का मेंटल जोन बड़ा है यानी फोर या फाइव, जो एवरेज अगर हम माने तो फोर है, उससे अबव भी हो सकता है उससे नीचे भी हो सकता है। थ्री वालों की प्रिडिक्शन कुछ और है, फोर वालों की प्रिडिक्शन कुछ और है, फाइव
वालों की प्रडिक्शन कुछ और है, राइट? इसलिए ध्यान से अपने आप मेजरमेंट करना है और ध्यान से आपने डिटेल सुननी है। मैं अभी आपको जस्ट सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप है कैसे। डिटेल में हम कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट आज वेबिनार से आप कुछ ना कुछ लेके जाइए और कुछ ना कुछ सीख के जाइए, यही मेरा आज मोटिव है। तो मेंटल जोन जिन लोगों का भी 4 है वो बहुत इंटेलिजेंट है। और आप ये बोलेंगे मैम आप इंटेलिजेंट कह रहे हो, ना तो मेरे पास कोई इतनी बड़ी डिग्री है, ना मैं कोई इतनी मेरिट में आई हूँ, ना मेरे पास कोई इतने ज्यादा स्कॉलरशिप है, आप इंटेलिजेंट कह रहे हो। लेकिन इसमें इंटेलिजेंट का मतलब है इंटेलेक्चुअल, मतलब ये कि ये लोग कोई भी काम करेंगे तो बहुत सोचेंगे। ये नहीं कि बस किसी ने ऑर्डर दे दिया और काम कर दिया, नो, इन लोगों को लॉजिक चाहिए हर काम के लिए। भाई ये बताओ कि भाई तुम मुझे बोल रहे हो ये काम मैं करूं क्यों, पहले मुझे लॉजिक तो बताओ। हमको करेक्ट अल्फा जी ओके राइट, मुझे थम्स माम, अप, 100%। ये बस मुझे आपकी यही थम्स अप चाहिए, तो मुझे लगेगा कि यस, कि ओके परफेक्ट। मैं सही ट्रैक पे हूँ। यस, तो ये लोग मान लीजिए कि अगर इनको जबरदस्ती कोई डंडा दे के काम करवा भी दे, और ये क्या करेंगे, काम होने के बाद भी सोचते रहेंगे यार ये काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, यार ये काम सही रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके सोचने में ही ये लोग अपने ओवर थिंकिंग के उसमें जाल में बुनते जाएंगे बुनते जाएंगे, दिन भी गया रात भी गई सोचते सोचते, और बस काम तो जो किया किया, लेकिन सोचने में ही वो इतनी ओवर थिंकिंग करेंगे कि पूछो मत। तो सबसे बड़ी ये बात है इनकी, इनको हर काम के लिए लॉजिक चाहिए, ये इमोशन को कम यूज करते हैं। लव्स टू डू मेंटल वर्क देन फिजिकल, इनको बैठे बैठे काम करना पसंद है, इनको भाग दौड़ी का काम पसंद नहीं है। अगर कोई इनको बोले कि भाई तू मार्केटिंग जाके काम कर ले, आज शॉपिंग करके आ जा, आज चली जा कल चली जा, या कोई अपना दूसरा एक मार्केटिंग का वर्क होता है ये कर ले, नेवर। ये लोग बोलते हैं एसी चाहिए, अपना लैपटॉप हो और मैं रूम में बैठूं और बस जो काम दे रहे हैं मुझे इसी रूम के अंदर दे दो, बाहर जाने के लिए मत बोलो मुझे। अल्फा जी स्माइल कर रही हैं, इट मींस ये बात भी रेजोनेट हो रही है। यस नेक्स्ट है, टेक्स लॉट ऑफ कंसिडरेशन टेकिंग एनी डिसीजन, वो मैंने आपको पहले बताया कि काम करने से पहले इतना सोच लेंगे कि पूरी काम के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, इतना टाइम ले लेते हैं, जो काम एक दिन का सोचने का होगा ये 2 दिन लेंगे कि भाई मुझे पहले सोचने दो ये काम करूं कि ना करूं, तो टाइम लेते हैं ये सोचने के लिए, राइट? चलिए इसकी डिटेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे। जो 3 फिंगर्स हैं 5 फिंगर हैं वो हम कोर्स में पढ़ेंगे, पर जस्ट मैंने 4 वालों का दिया है कि क्योंकि सब जो मेरे ये सोल फैमिली है, मैं आपको सबको सोल फैमिली कहूंगी, क्योंकि आज अगर यूनिवर्स ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है तो हम सब एक ही सोल फैमिली के हैं, और आज हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और हम एक दूसरे से लर्निंग कर रहे हैं, तो इसलिए आशा मैं आपको जी, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट गिव सम डिटेलिंग अबाउट 5 एंड 3 ताकि लोग लेट कर सकेंगे उसमें। तो जिनका 5 है उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, जिनका 3 है उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो गिव सम ब्रीफ अबाउट इट आल्सो। जी चलिए अब हम बात करेंगे। चलो सर ने बोला है तो हम थोड़ा सा मैं इसके लिए ब्रीफ कर दूं। 3 फिंगर्स, जो 3 फिंगर्स होंगे वो पहले तो एक होते हैं स्टबन, स्टबन लोग होते हैं जिद्दी, कि अड़ जाना जैसे होते हैं वो होते हैं वो लोग। ये फिर भी बात मान के काम कर लेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन जो स्टबन वो जो बिल्कुल मैं 3 वाले जो होते हैं वो स्टबन होते हैं, अड़ गए तो अड़ गए, चल पड़े तो चल पड़े, तो ये उनका वो है। और हमारा जो 5 वाला है वो कैसे होते हैं, वो थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं। आप देखोगे
बिजनेसमैन, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। आप देखोगे, आप गूगल पे सर्च करना, जितने भी एंटरप्रेन्योर आपको मिलेंगे, आप नोटिस करना, 4 और 5 वाले आपको वही मिलेंगे, मोस्टली 5 वाले मिलेंगे, नहीं तो 4 और 5 तो आपको उसमें भी मिलेंगे। तो वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं। देन उनका डोनेशन बहुत अच्छा करते हैं वो, उनको हर चीज में डोनेशन करना बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी में मान लीजिए, या वो थोड़ा भगवान से डर के थोड़ा वो डोनेशन की तरफ ज्यादा होते हैं, राइट। देन हम बात करेंगे हमारा सोशल जोन। अब बात करते हैं हमारा जो हम जिनका 3 फिंगर्स आया है या जिनका 4 फिंगर है। अब ये बताइए कि जो 3 फिंगर्स वाले हैं, क्या आप कोई आर्ट आर्ट की तरफ है? आप थोड़ा क्रिएटिव हो, थोड़ा कोई ड्राइंग, थोड़ा कोई आर्टिस्टिक हो, किसी भी लेवल, कोई म्यूजिक, कुछ भी बताइए। जो 3 फिंगर्स वाले हैं, जरा मुझे बताइए कौन कौन है, और क्या वो इस बात के लिए रेजोनेट हो रहे हैं कि वो एक मैं भी 3 वाला हूँ, लेकिन मेरे को 3 और 4 दोनों मिल रहा है, Three and 4। दोनों मिल रहा है। मतलब अभी मैं भी थोड़ा सा बोलेंगे तो थोड़ा काम बैठ करके करना पसंद करता हूँ। मैं जी अब बाहर भी निकलता हूँ, लेकिन अभी जो आप मतलब थोड़ा सा आर्टिस्ट के बारे में बोल रहे थे, थोड़ा सा उस तरह से मैं हूँ, लेकिन मैं पूरा ओपन नहीं हो पाया। जी इसका भी कारण सर, आप फेस रीडिंग में जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आर्टिस्टिक वो पोर्शन था वो हिडन क्यों क्यों रह गया, वो ओपन क्यों नहीं हुआ, वो भी आपको इसमें पता लगेगा। तो आप जो हैं, जिनका 3 फिंगर्स हैं, वो रेजोनेट करेंगे कि वो आर्ट उसमें जरूर होंगे, फील्ड में जरूर होंगे, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो, फिल्म में हो, डायरेक्टर, कुछ भी, एनी कोई आर्ट फॉर्म में वो पक्का होगा बंदा। यस मैम। जी, मिडल पोर्शन में 3 फिंगर। मिडल में 3 फिंगर्स। आशीष जी, आप रेजोनेट कर रहे हैं? यस यस मैम, बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन मराठी स्टेज लॉन्ग बैक। अभी तो मैंने छोड़ दिया है, बट आई वॉज वर्किंग फॉर मराठी स्टेज। यस, सो दैट इज मैचिंग मैम, डेफिनेटली यस। यस सर, यस सर, जी एंड ऑल्सो द 4 फिंगर्स पार्ट इज ऑल्सो मैचिंग परफेक्टली विद देम। द 4 फिंगर्स परफेक्ट परफेक्ट पार्ट परफेक्टली वेलकम राइट। थैंक यू। मैम, सेम विथ मी आल्सो। यस मैम, आई सेड सेम विथ मी आल्सो। निगज में कॉलेज तक मतलब सिंगिंग में, और जैसे होता है ना कि स्टेट लेवल का भी, और मैंने गाना गा चुकी थी, बहुत सारा वो अवार्ड भी मिल चुका था, बट वो छूट गया धीरे धीरे। और मैं जैसे अच्छा पोएम्स वगैरह लिखती थी भी, और वो अच्छा ऐसे मैगजीन वगैरह में निकलती थी, बट वो धीरे धीरे पता नहीं एज के हिसाब से वो छूट गया सारा। अभी इतना, अभी भी कभी कभी लिख लेती हूँ, बट इतना ज्यादा अभी पहले जैसे नहीं है। बट और जैसे मुझे डांसिंग का भी शौक था, तो मैं वो भी करती थी, और एक्टिंग का भी, तो ये सब चलता था मेरा, मतलब टिल मेरी आई थिंक 22 23 तक ये था मेरा। बट अभी सब मैम सेम, मेरा भी मैम 3 आ रहा है, वो बीच वाला जोन जो आप बता रहे हो। तो मैंने भी सिंगिंग, म्यूजिक, हारमोनियम, सितार सब सीखा है, पर उसे आगे नहीं करा, बट एज अ सीखा ही है। तो दिस इज वेरी राइट एंड इट इज यू नो ओके। मेरे मतलब मेरे को भी, मेरे लिए भी यस है, यस मैंने भी ओके, किया है मैम। यस 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट पॉइंट कि आप आर्टिस्टिक होंगे, सेकंड आप देखे इमोशनल होंगे। इमोशनल कैसे? कि आप अपने लिए बाद में सोचेंगे, पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे। क्या ये राइट है? आप कोई भी डिसीजन परफेक्टली लोगे, राइट। आप कोई डिसीजन लोगे तो पहले अपना फायदा नहीं सोचोगे, पहले सोचोगे मेरी फैमिली, फिर मेरे रिलेटिव्स। ऐसे आपका सर्कल जो है इतना बड़ा होगा कि आप तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, अपने मन मन तो सही को है मैडम, मारते मैंने भी रहे। सॉरी बोल दीजिए। जी प्रमोद जी, आप बताइए। मैं ये बोल रहा था सही है, मेरा भी पहले थिंकिंग यही था। पहले जो ऐसे मैं जो भी काम करूं, मेरे साथ कम से कम 10 लोग खाना खाए, 10 परिवार का मतलब मैं गुजारा कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। और मैं किया भी ऐसा, मैं होटल इंडस्ट्री जो लगा कर काम तो उसमें लगभग रह सकूँ। अपनी पॉकेट में 10 रुपए होंगे, लेकिन सोचेंगे कि मैं किसी और को खाना खिला दूं, बिल्कुल सही है।
और अपने लिए नहीं सोचेंगे। ये मेरे को लोग बोले थे, एक दो आदमी बोले भी थे कि आप आपके पैकेट में तो 4 आना भी नहीं है, लेकिन आप बड़े मतलब लाखों का काम कर रहे हैं। मेरे को हाँ, बताया भी ये कुछ लोग रिजल्ट बोले। जो काम करोगे 1,000 रुपए का, लेकिन जेब में आपके 10 रुपीज होंगे। हाँ क्यों? आज आप अपने आर्ट फॉर्म को, अच्छा चलो ये मैं आपको कोर्स में भी बताऊंगी, चलो थोड़ा हिंट देती हूँ। क्यों ऐसे हुआ आप लोगों के साथ कि आप इमोशनली क्या है, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश नहीं हो? कुछ लोगों ने सेल्फिश होने की वजह से अपने करियर बनाए, अपना प्रोग्रेस किया, आज जो 3 फिंगर वाले हैं वो इसलिए नहीं कर पाए कि वो इमोशनल हैं, हर डिसीजन इमोशन में लेते हैं, राइट? नेक्स्ट, लव्स टू हैव नेम एंड फेम। अब आप देखिए, मुझे ये रेजोनेट, अब ये पढ़ के तो आपको लग रहा है कि नेम और फेम है, ये वैसे 4 लिखा है, इसमें फेम आना चाहिए। एक मिनट, जस्ट ठीक करते हैं। नेम एंड फेम। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आपको पैसा मिले? कोई भी काम है, एक्स वाई जेड कोई काम है, आप उस काम को करने से पहले ये सोचोगे कि मुझे पैसा चाहिए कि आप ये चाहिए? नहीं यार, रिस्पेक्ट चाहिए मुझे तो। आप दोनों में से क्या सोचेंगे? रिस्पेक्ट यस, रिस्पेक्ट बस रिस्पेक्ट बस, आप पैसा नहीं सोचोगे, आप सोचोगे यार इस काम में इज्जत मिल रही है तो यही कर लेते हैं, चाहे वो काम छोटा ही हो, पर आप क्या है, पैसा नहीं मांगते। आप क्या मांगते हो कि भाई मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, सर्वाइविंग मोड मोड होता ना एक, कि चलो यार खाना पीना मिल रहा है बहुत है यार, बस इज्जत बनी रहनी चाहिए सोसाइटी में और बाकी भाड़ में जाए। तो ये वो लोग हैं कि जो रिस्पेक्ट चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, पर रिस्पेक्ट के साथ, राइट? सभी लोग रेजोनेट कर रहे हैं? जी यस मैम डेफिनेटली यस। जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं। मेक डिसीजन प्रैक्टिकली कंसिडरिंग आउटपुट, यानी कोई भी डिसीजन लेंगे, वो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया कि वो अपना पर्सनल लेवल पे नहीं लेंगे, वो दूसरों के लिए लेंगे। वो कौन से ओरिएंटेड होते हैं? फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं ये। जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी आउटपुट निकालेंगे, वो फैमिली ओरिएंटेड होंगे, पीपल ओरिएंटेड होंगे, ये अपने ओरिएंटेड नहीं होंगे, ठीक है, राइट? हम बाकी इसकी हम डिटेल आगे करेंगे कोर्स में, पर मेन आपका ये है। गिव सम हिंट अबाउट 4 एंड 5 ऑल्सो, जिनकी 4 फिंगर है, जिनकी 5 फिंगर है सेंटर में। जी, 4 फिंगर का बताती हूँ एंड 5 का। देखिए 4, अब आप देखिए कि हमारे फिल्म स्टार देख लीजिए, अच्छा हमारे ग्रुप में है कोई जिसका 4 फिंगर हो? प्लीज कोई अगर चेक कीजिए तो। सूरज ओसवाल जी ने बोला उनका है, रीटा गांगुली जी ने, रीटा गुरुंग जी ने बोला उनका है, मेरा 4 है। मेरा भी है, गुड और गुड दीपक गुड, जी ने बोला उनका भी है। जी मैम 4 है। बीच वाले पोर्शन में 4 फिंगर, जी जी नोज नोज नोज। नोज नहीं, 4 है। मैम मेरा भी है। ठीक कई है लोग, काफी सारे हैं। चलिए कई लोग जो है, मैं फिर बता देती हूँ कि 4 फिंगर आपने आईब्रो के नीचे से स्टार्ट करना है, आईब्रो के, यस हाँ ये देख लीजिएगा, यस ध्यान रखिएगा, राइट? हाँ यस हाँ वैसे ही किया, वैसे ही किया। जी। अब देखिए, जिनका 4 फिंगर है वो क्या करेंगे कि मैडम आईब्रोज के नीचे से स्टार्ट करके नोज तक ना, नोज नोज के टिप तक, सर नोज तक। के टिप, यस। देखिए आशा जी अगर 3.5 फिंगर आती है तो उसको 4 में लेते हो, 3 में लोगे, ये भी बता दो लोगों को, क्योंकि ये सर, पॉसिबल है ना, 3.5 फिंगर भी, तो उसको 4 हाँ में लोगे, मेरा 3 भी में है लोगे, फोर, मेरा भी सर फोर है, सर 3 में गिना जाएगा, तीन में गिना या वो जाएगा, 3 होगा या 4 होगा। तो पूरा है तो 4 हुआ, एनीथिंग लेस देन 4 इज 3, जी ठीक है, जी सो इज 5, अगर एनीथिंग लेस देन 5 इज 4, अगर यस पूरा है तो 5 है, यस सर। देखिए सर, चलिए। अभी आपने बोला, मैंने अभी बताया आपको जिनके 4 है, राइट? अब देखिए, लव्स टू हैव अ लग्जरी लाइफ,
जिन लोगों का 4 होगा ना, उनको लग्जरी लाइफ पसंद होगी, वो उसमें रहना पसंद ही नहीं करेंगे, गरीबी वाले उसमें स्टाइल में। आप देखिए हमारे फिल्म स्टार हैं, आप क्या देखो क्या हुआ? अच्छा कंटिन्यू कंटिन्यू आप। जी, तो ये क्या है, लग्जरी लाइफ पसंद करेंगे। अगर इनको किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो ये कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कम करते हैं, और ये मेहनत कर लेंगे, लेकिन वो बोलेंगे चाहिए मुझे लग्जरी लाइफ। इनका मेन फोकस होता है मनी, लग्जरी एंड हाई स्टेटस। इनको ना रिस्पेक्ट चाहिए, ना इनको किसी चीज का नेम फेम तो चाहिए, लेकिन उनको रिस्पेक्ट मिले ना मिले, नेम फेम चाहिए, पर किसकी बदौलत, लग्जरी भी चाहिए साथ में, पर उनको रिस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप ये कह और रहे हैं कि रिस्पेक्ट जो है वो लग्जरी इज इम्पोर्टेंट, बाई वर्च्यू ऑफ लग्जरी वो रिस्पेक्ट नेम फेम अपने आप आ जाएगा, पर लग्जरी इज प्राइमरी। जी, उनको लग्जरी चाहिए, लेकिन उनको रिस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, नेम फेम चाहिए, वो चाहे किसी भी तरह आए, नेम फेम वो किसी भी तरह आए, चाहे वो अच्छे से आए बुरा से आए, पर उनको नेम फेम चाहिए। जैसे हम फिल्म स्टार की बात करते हैं, ज्यादातर मोस्टली जो है उनके 5 तक भी जाते हैं, कईयों के आप नोज देखेंगे तो उनके 5 तक भी जाते हैं। तो क्या इनको लग्जरी पसंद है? सूरज ओसवाल जी मैम बताइए, नहीं लग्जरी ऐसा में, तो नहीं है सर, ऐसा तो नहीं है मैडम, मेरा लग चार है लेकिन मेरे लिए तो ये गलत हो रहा है। नहीं लग्जरी पसंद नहीं है आपको? नहीं लग्जरी पसंद है लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेरे को मान सम्मान रेस्पेक्ट लग्जरी इज अ आई प्राइमरी, लाइक। आप ये कह सकते हो इसमें लग्जरी इज अ प्राइमरी, बाय वर्च्यू ऑफ गेटिंग लग्जरी मान सम्मान रिस्पेक्ट इट्स फॉलोड बाय। मैम और एक पॉइंट मैं और प्लस करूंगी, अगर आप इस पे रेजोनेट नहीं कर रहे हो तो ये इसलिए नहीं कर रहे हो, आपकी नोज की जो शेप है ये भी मैटर करेगी। जो मुझे अच्छा दिखाई जो मुझे आपका नोज दिखाई दे रहा है, आगे से हाँ थोड़ा ब्रॉड ब्रॉड है आपका नोज, तो हाँ जी ये भी उसमें मैटर करेगा। पर हम अच्छा सिर्फ एक जेन्युइन प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कि मान लीजिए कि हमारे सामने कोई बंदा आया है, तो हमने अब हम फिंगर लगा के तो उसको चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि वर्चुअली हम उसको देख सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि ये बंदा लग्जरी पसंद करता है, तो ये अच्छी बात है, पसंद करता है, लेकिन हाई स्टेटस करता है, लेकिन ये क्या करेगा, कोई भी काम करेगा, डिसीजन करेगा, ये अपने लिए पहले सोचेगा, औरों के लिए बाद में सोचेगा। ये तो नहीं है। ये नहीं है। तो आपके नोज, आपका नोज डिफरेंट है, आपका आपको नोज जो है आपका ब्रॉड है आगे से, तो ये भी मैटर करता है। पर हाँ हम हो एक सकता है। नॉर्म आप मैं जो ये बात कर रही हूँ 4 फिंगर, और जो ये हम दिखा रहे हैं पिक्चर में, तो यस ये स्ट्रेट नोज की बात हो रही है, और अगर हाँ जी आपका ये ब्रॉड नोज है तो इसमें और बातें ऐड ऑन होंगी, वो हर किसी से रिलेट नहीं होगी, राइट? अच्छा ओके जी ओके थैंक यू थैंक यू जी ठीक। अब हम बात करेंगे, हमारा सोशल जोन हो गया, अब बात करेंगे हम फिजिकल जोन, जो हमारा थर्ड जोन, इसमें भी कई लोग रेजोनेट करेंगे। फर्स्ट है कि ये लोग, जिनका भी होगा ये 4 होगा या 5 हो, यस ये फिजिकल वर्क जो है, चाहे ये करना चाहे चाहे करना ना चाहे, इनको फिजिकल वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे उस बंदे की टूरिंग जॉब होगी कि उसको फिजिकल मार्केटिंग में होगा वो बंदा, पर उसको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। वो टेबल कुर्सी मतलब बैठ के एक रूम वाले जॉब नहीं, उसको फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। जिसकी भी फिजिकल जोन बड़ा होगा, 4 एंड 5, चाहे हम फीमेल्स की बात करें चाहे हम किसी की भी बात करें, तो वो उसको फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। मीना गुप्ता जी, यस यस मैम बताइए, क्या आप रेजोनेट कर रहे हैं? यस मैम राइट जवाब राइट जवाब, यस सर, थैंक यू मैम, है थैंक यू जी सो मैम। मच। आप ये 4 या 3 कौन सा ये आपका बता रहे? सही है, फोर थर्ड मैम, थर्ड नहीं, फोर्थ। यस यस सही है यस राइट मैम एब्सोल्युटली राइट। यस
वो फिजिकल वर्क उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो मन करे ना करे। आप देखेंगे कई, आप देखना कि जो मार्केटिंग करने वाले आपके स्टाफ होंगे इधर उधर देखने, आप पक्का उनका देखना, आप नीचे का उसका ब्रॉड, उसका बड़ा होगा, 4 या 5 फिंगर होगा। टेक डिसीजन इमोशनली, डिसीजन लेंगे लेकिन वो इमोशनली लेंगे, कैसे, कि वो पीपल ओरिएंटेड होंगे, ये भी पीपल ओरिएंटेड होंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो बंदा फिजिकली वर्क ज्यादा करेगा तो वो अपने लिए नहीं करेगा, वो फैमिली वालों के लिए करेगा, औरों के लिए करेगा। अपने लिए तो बंदा कहता है यार दो रोटी खा लांगे, राम नाल वधिया बस, है ना। लेकिन जो ये होगा फिजिकल वर्क, उसको मन मार के उसको फिजिकल वर्क करना ही पड़ेगा। आशीष जी, ओके, राइट, थैंक यू, रेजोनेट करने के परफेक्ट लिए। मैम, परफेक्ट। यस, बिकॉज मैं खुद मार्केटिंग सेल्स में था, कंटिन्यूस मुझे साइड पे भागना पड़ता था, मार्केट में भागना पड़ता था, कस्टमर्स के पास जाना पड़ता था, तो रेजोनेट हो रहा है मैम। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कुछ घर बैठे काम करूँ, लेकिन कुछ काम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन, सो इट इज लाइक दैट, बट आई आई एग्री विद दिस मैम। थैंक यू मैम। यस जी, थैंक यू सर जी। अब ये हम बात कर रहे हैं कि ये मोस्टली आपको बड़ा ही मिलेगा, 4 एंड 5 जो है ये बड़ा ही मिलेगा, और वो 3 वाला भी होते हैं। 3 वालों में फिर हम उसके लिप्स भी शेप पे जाते हैं, उसकी जो प्रिडिक्शन है वो थोड़ी मुश्किल है। जैसे सूरज ओसवाल मैम जी की थोड़ी सी इसमें प्रिडिक्शन चेंज हुई, क्यों? क्योंकि फिर जब हम इस जोन की बात करते हैं, बीच वाले जोन की, तो उससे नोज की ब्रॉडनेस भी आ जाती है, तब उससे प्रिडिक्शन थोड़ी चेंज हो जाती है। वो हम पढ़ते हैं वैदिक समुद्र शास्त्र, राइट। और ऐसे ही हमारा जो फिजिकल जोन है, ये जो है जिन फीमेल जिन मेल्स का जिनका भी ये बड़ा होगा 4 to 5, वो उनको फिजिकल काम ज्यादा करना पड़ेगा, चाहे वो घर का काम करें चाहे वो बाहर का करें। ओवर टू बर्डन, चाहे वो घर का हो चाहे वो ऑफिस का हो, वो ओवर टू बर्डन उनके ऊपर होता है, राइट। यस अच्छा जी, अब हम आपको, मैं एक और अच्छी बात बताऊं, हमारे मुझे स्क्रीन में वैसे ज्यादा फीमेल्स दिखाई मुझे दिख नहीं रहा है, पर मैं एक और बात बताती हूँ आपको कि ये समुद्री शास्त्र का टिप है, जो भी मेरी सोल फैमिली की वो है। मेहंदी के बारे में थोड़ा मैं टिप देना चाहती हूँ, क्लास में तो मैं डिटेल में बताऊंगी, पर मेहंदी हमारी कितनी बहनें लगाती हैं, हमारी कितनी स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट मेहंदी लगाती हैं। कलर की बात नहीं कर रही, सिर्फ मेहंदी जो तो मेहंदी वो था लगाती, पहले, अब नहीं लगा। ओके, राइट। और बाकी बाकी नहीं लगाते, कोई नहीं लगा रहा मेहंदी आजकल? मैम लगाया है। मैम मैंने लगा रखी है मैम, ये देखो मैम अभी लगाई थी, जी, नहीं हाथों में नहीं, बालों में, हेयर, हेयर बस बालों में भी लगाते हैं मैम, हेयर है। नहीं लगाते, लगाती। यस। चलिए आज आपको एक बालों टिप में देती, मेहंदी चलेगा कि कलर भी चलेगा? नहीं कलर, कलर की बात हम कोर्स में करेंगे, पर मेरी जो ये सोल फैमिली की मेरी जो ये मेरी सिस्टर्स हैं, इनके लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ मेहंदी की। आप नोटिस करना, आज के बाद, आज वेबिनार है 12 अगस्त, राइट, इसके बाद आप जब भी मेहंदी लगाओगे बालों में तो नोटिस करना, क्या आपकी लाइफ में जो हैप्पी मोमेंट्स हैं या तो वो लगातार आएंगे, या उसके बाद आप नोटिस करना कि आपकी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस सी आ रही है, नोटिस करना, राइट। अगर आप इसके देखना इस पीरियड नेक्स्ट आने से पहले, और ये जैसे मान लीजिए कल आपने मेहंदी लगाई और नेक्स्ट आने से पहले आप बीच में अपना फ्रिक्वेंटली देखना कि क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं कि जो हैप्पी वाले हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे आपको, कई बार ऐसा होता है ना, मन वैसे ही परेशान रहता है, सब कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी मन कुछ परेशान सा रहता है, तो आप नोटिस करना कि मेहंदी लगाने के बाद आपका पैटर्न कौन सा आ रहा है, राइट। मैं आपको इसमें बताऊं कि मैंने
अपने पूरे जितने भी मेरे सर्कल में थे, जितने मेरे क्लाइंट्स थे, मैंने सबकी मेहंदी बंद करवा दी, चाहे वो अब आप नोटिस करिएगा, राइट। और सभी ने मुझे फीडबैक दिया कि मैम कि हम जब से मेहंदी लगाते हैं तो या हमें कोई हेल्थ इश्यू आता है, या हमें कोई मन परेशान वाली कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आती है। आप मुझे फीडबैक जरूर देना कि मैम ये बात सही है कि नहीं। जिन लोगों को प्रॉब्लम आई उन्होंने मेहंदी लगानी छोड़ी, देन रिजल्ट आपको भी आएगा अगर आप आता है तो। अगर बहुत अच्छा आता है, वो ऐसा नहीं है कि इस बार आ गया तो आगे कुछ और आएगा, नहीं, ये फ्रिक्वेंटली पैटर्न बनेगा और उस पैटर्न को आपने ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास में दीजिएगा या किसी भी ग्रुप में दे दीजिएगा फीडबैक कि मैम हमने नोटिस किया और हमारी ये प्रॉब्लम आई, तो मैं इसकी जो रेमेडी है वो क्लास में दूंगी कि इसका करना क्या है इलाज, राइट। चलिए रेमेडी पहले ही बता दीजिए ना दीदी, थोड़ा सा तो हिंट दे दीजिए। जब आपने चालू ही कर दिया तो फिर बताना चाहिए ना थोड़ा सा, नहीं नहीं, तो चल बीच जी में बता लटके दो, हुए रह जाएंगे हम तो। देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, सब्जेक्ट के अंदर बहुत टॉपिक जी, है, बहुत टॉपिक है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं वेबिनार बता नहीं दो। कैसे। जी लेकिन थोड़ा सा तो हिंट देना होगा आपको, आपने जब इतना बता दिया तो। जी 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 मैम, आपने बोल दिया तो हमारा, हम तो आपके आगे जरूर मानेंगे सूरज मैम, और राजीव सर ने भी बोल दिया तो उनका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो बताना ही पड़ेगा। हम देखिए मेहंदी लगा नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैंने तो सोगन ही ले लिया, अभी लगा ही नहीं रही हूँ, व्हाइट बाल है मेरे तो। लेकिन जो लगाते हैं उसको कुछ तो हिंट्स हम भी दे सकते हैं ना, कि हमारी मैडम ने बताया है। जी, मैम, मेहंदी अगर आप लगाते हो पहले तो अपना पैटर्न फॉलो कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी बिल्कुल मेहंदी छोड़ दीजिए, राइट। और अगर मान लीजिए कुछ बोलते हैं कि नहीं मैम हमें तो अपने बाल जो है थोड़े से अच्छे फ्लोरिश करने हैं और बढ़िया करने हैं, कलर करना है हमें, या वो क्या बोलते हैं सूट नहीं करता कलर, उस कंपनी का कलर सूट नहीं करता, तो हमने मेहंदी ही लगानी है, तो उस मेहंदी में आपने तीन चीजें डालनी है। एक आपने डालना है आंवला, दूसरा डालना है भृंगराज। आंवला, भृंगराज और तीसरा डालना है आपने कॉफी। इससे क्या होगा, इन मैम लास्ट जी टाइम क्या था? कॉफी, मैम कॉफी, ओके। जी ये तीन चीजें आप डालिएगा और रिजल्ट 100% तो नहीं हो चेंज होगा, लेकिन 25-30 तक रिजल्ट जो है थोड़ा कम आएगा, इससे थोड़ा सा प्रिकॉशन हो जाएगा, बाकी तो हम कोर्स में करेंगे बात, राइट। थैंक यू। चलिए जी धन्यवाद। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरी सोल फैमिली जो भी बैठे हैं, मैं सच में बताऊं कि इतनी अच्छा ये कोर्स है, जब आप इसको सीखोगे ना तो आप बोलोगे मैम हमारी तो काया ही बदल गई। चलिए अब आप बोलोगे मैम हमें इसमें क्या मिलेगा, राइट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं कि इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे हैं, पर मैंने अभी थोड़ा कम पीपीटी बनाई है। दूसरा देखिए, हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे, आप अगर किसी की फेस रीडिंग करते हो तो उसके मेथड्स हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी वन बाय वन, जिससे आप इजीली किसी को भी फेस रीड कर सकते हैं। आशा जी, जो कंटेंट की पीपीटी है, लेट मी पुट इट ऑन स्क्रीन, उसमें पूरे कंटेंट्स आ जाएंगे, काफी आ जाएंगे उसमें। वेट, लेट मी पुट इट ऑन स्क्रीन, होप दिस दिस पीपीटी इज विजिबल टू यू ऑल। आशा जी, जी ये आप ही ने दिया होगा ना टीम को कंटेंट्स ये। सर, ये जो है वो ज्यादा डिटेल में नहीं है, पर चलो मैं इसी को ब्रीफ कर देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट है जोन ऑफ फेस है, राइट। अब देखिए आप अपने अपने फेस को देखिएगा,
किसी का ओवल फेस है, किसी का राउंड है, किसी का लॉन्ग है, किसी का ब्रॉड है, ये आपके फेस के शेप्स हैं, ये हमारे जोन्स हैं। ठीक है, जो हम इस जोन में हम पढ़ेंगे वो हम शेप्स के बारे में भी है और हमारे जोन्स। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको तीन जोन के बारे में बताया, वो तीन जोन जो थे कि हमारे बड़े का क्या होगा, बीच मिडल का क्या होगा और स्मॉल का क्या होगा। इसमें हम तीनों जोन के, सोशल जोन, मेंटल जोन, फिजिकल जोन, उनके तीनों एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, छोटे के भी बड़े के भी, राइट। उसके बाद देखिए हमारी आईब्रोज, हम आईब्रोज तो देखो हम सब बनाते ही हैं, राइट। आज से पहले आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आज के पक्का गारंटी है कि आज आप वेबिनार के बाद सभी फीमेल्स एक दूसरे की पक्का चेक करेंगी। और इससे एक और टिप देती हूँ इसमें कि इस आईब्रो को आप जैसे मतलब सीखने के बाद, अभी नहीं कह रही, सीखने के बाद आप जब एक दूसरे की देखेंगे और अपनी देखेंगे और अपनी करेक्टर देखेंगे कि मेरे अंदर ये कमी है या ये मेरे अंदर गुण है, तो मुझे क्या इस आईब्रो को ऐसे ही बनाना है या मैं इस आईब्रो को चेंज करके अपना नेचर बदल सकती हूँ। देखिए है ना मस्त, ऐसा कभी सुना है आपने कि हम अपने फीचर्स को थोड़ा बहुत चेंज करके हम अपना नेचर भी बदल सकते हैं? पर इसमें है, इसमें हम देखेंगे कि मेरी देवरानी की ऐसी है तो इसका ये नेचर है, मेरी ननद का ऐसा है तो ऐसी आईब्रो है तो ये पक्का ऐसे करेगी। आपको पहले ही उसको प्रिडिक्ट कर लोगे कि ये अब क्या करने वाली है। मजा आने वाला है सबको? यस। उसके बाद देखिए, अच्छा एक और मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, आईब्रोज मोस्टली 80% आईब्रोज हमारी सोल फैमिली की जितनी भी फीमेल्स हैं बहुत लाइट होंगी और उसकी डेंसिटी कम होगी। एग्री, लाइट होगी और उसकी डेंसिटी कम होगी। कितने लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं कि है हमारी सोल फैमिली में मोस्टली जो भी होंगे वो 80% जो हमारी सोल फैमिली है उनके डेंसिटी कम होगी और लाइट रंग होगा, राइट। यस यस और यस आप, आपको बड़ी हैरानी होगी जान के कि वो अलग होते हैं जिनकी डार्क होती है वो, उनका नेचर अलग होता है, कईयों की लॉन्ग होती है उनकी अलग नेचर है, कईयों की शॉर्ट होती है, आप देखना आंख के ऊपर ही खत्म हो जाती है। आप कहीं देखना कि कईयों की आईब्रो और आईज के बीच में डिस्टेंस ही नहीं होता है, वो बिल्कुल पास पास होती है। देखना, नोटिस करना, अब आप आज के बाद नोटिस करना किसी की आईब्रो और आईज के बीच में डिस्टेंस होगा, कईयों का बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होगा, बिल्कुल पास में ही होगी। तो देखना आपको मजा आएगा जब आप इस इतनी सारी डिटेल में, मैंने पूरी पीपीटी तैयार कर रखी है इसमें, देखना आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। और सबसे बड़ी इस कोर्स की ये खासियत है कि एस्ट्रोलॉजर बाकी जो है वो बोलते हैं हम रेमेडीज देंगे रेमेडीज देंगे, लेकिन फेस रीडिंग भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं आपको रेमेडीज नहीं दूंगी, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस दूंगी। रेमेडीज तो वो वर्ड हो जाएगा कि वो हमारे एस्ट्रोलॉजी में आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेमेडीज हम करते हैं कि किसी को फर्क पड़ता है किसी को नहीं पड़ता। हम कई बार हमारी सोच ऐसी होती है, यार मैंने अपनी जन्म पत्री दिखाई तो मैंने ये किया तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फेस रीडिंग में जो सॉल्यूशन दिए जाएंगे वो एक्यूरेट दिए जाएंगे और आप जब उन चेंजेस करोगे अपने फीचर्स में अपने फेस पे तो आप देखोगे कि आपका नेचर भी बदला, सामने वाला भी बदला। आप देखना, नोटिस करना। नेक्स्ट देखिए फेस शेप, फेस शेप में आपको पढ़ाऊंगी इसमें कि जिसमें आपके एक वुड फेस होता है, एयर फेस होता है,
मेंटल फेस होता है, कई तरह के फेस होते हैं, वो भी मैं आपको इवेल्युएट करना बताऊंगी कि आप कैसे जज करोगे कि ये बंदा यार मेरे आगे राउंड शेप वाला बंदा बैठा है, तो एक पक्का पक्का आप जज कर लोगे यार इसका ना गोल चेहरा है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मान लो कोई राउंड फेस वाला आपके सामने बैठा है तो आप फर्स्ट यार ये बंदा इमोशनल है, आप देखना नोटिस करना। इसकी भी मैं एक बीच में एक टिप दे रही हूँ कि जिनके राउंड फेस होंगे और थोड़े से चबी चबी से होते ना गाल कहीं के, आप देखना रेजोनेट करना कि वो बहुत इमोशनल होंगे, बोला थोड़ा सा बोला और टप 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 आंसू, आप देखना चबी गाल होंगे उनके और प्लस उनके राउंड फेस होगा। नेक्स्ट हम देखिए वुड फेस है, मेटल फेस है, एयर फेस है, अर्थ फेस है, यस। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे आईज। आईज इतना बड़ा टॉपिक है कि आप बोलोगे मैम ये खजाना कहाँ था। स्मॉल आईज होती हैं, बड़ी आईज होती हैं, आपने देखा होगा कईयों की ना आई बॉल बाहर झांक रही होती है हमारी तरफ कि भाई ये क्या, मतलब अलग सी दिखाई देती है, प्रोमिनेंट वो आईज बॉल दिखाई देती है। आप उनके बारे में भी पढ़ोगे, फिर आप देखो हमारे आईज के कलर होते हैं, कोई ब्लैक कलर, कोई गोल्डन कलर, कोई हेजल कलर, कोई ग्रे कलर, कितनी तरह की आईज होती है, हम सबके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सामने बंदा आया और उसकी आपने मान लीजिए कि उसने देख लिया कि ये ब्लू है, ग्री है या हेजल कलर है, तो आप उसी में पता लगा लोगे कि ये बंदा ऐसा है, मुझे इससे कैसा काम करवाना है। उस आशा बंदे का जी, बीच में ना एक एक दो दो एग्जाम्पल भी दे दो, उनसे लोगों को रिलेट करना भी आसान हो जाएगा। मतलब आज के वेबिनार में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं सब लोग, सो लेट देम गेट सम इनसाइट्स आल्सो। सारे पूरा टॉपिक नहीं होगा, लेकिन गिव, जैसे आपने वो बॉल वाली आईज बोली, तो बॉल वाली आईज का एग्जाम्पल दे दो, गिव सम एग्जाम्पल्स, उनको अच्छा लगेगा सबको। जी, आइस बॉल जिनकी प्रोमिनेंट बाहर होती हैं वो लोग, और आप देखना उसमें भी कई एक मैटर है कि वो उनकी आइज जो थोड़ी लास्ट तक जाती है, एक होती है सामने दिखाई देती है वो थोड़ी सी लास्ट तक जाए, और उनका जो आइज बॉल है वो प्रोमिनेंट दिखाई देगा। और जो प्रोमिनेंट आइज बॉल होते हैं वो एक तो स्टबन होते हैं और थोड़ा अग्रेसिव होते हैं। आपको जब मैं दिखाऊंगी और जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो ये मैंने उनके लिए बताया है कि जो प्रोमिनेंट आइज वाले होते हैं वो थोड़े स्टबन होते हैं, अच्छी नहीं होती है वो आइज। नेक्स्ट देखिए ईयर्स, हमारे कान किसी के स्मॉल होते हैं, किसी के, किसी ने लिखा है मेरी मासी ऐसी ही है शालिनी जी ने लिखा है कि मेरी मासी ही ऐसी है, यस थैंक यू शालिनी जी। ईयर्स देखिए आपने कान देखे होंगे, किसी के कान स्मॉल बिग या कईयों के स्टिक इन या आउट होते हैं, आपने आमिर खान के कान देखे होंगे कैसे वो बाहर की तरफ है, राइट तो उनका भी अपना एक महत्व है कि जो जिनके कान ऐसे होते हैं जैसे वो क्या बोलते हैं सुपड़ा की उसको तरह, किसके, सुपड़ा 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 की तरह, सूप सूप नहीं मैं उस चलता। आमिर आमिर खान जी की एग्जांपल दूंगी, आमिर खान जी के जैसे आप कान देखिएगा तो उनके जैसे वो हमारे गणपति जी के कान नहीं होते गणपति बाप्पा जैसे, होते हैं बड़े बड़े सूप। जी बड़े वाले जी, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ अलग हटके करते हैं, जो पैटर्न पीछे से चल के आएगा ना वो उसको फॉलो कभी नहीं करेंगे, वो हमेशा बोलेंगे कि जहां मैं खड़ा हूँ लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, वो बंदा एक अपना अलग ही दुनिया में खोया रहता है, वो इनर वर्ल्ड से खोया रहता है, उसने अपना ही जो एक पैटर्न है उसकी जो अपने बिलीफ सिस्टम है उसी सिस्टम के ऊपर काम करेगा, वो किसी को फॉलो नहीं करेगा, वो एक अपनी दुनिया अलग बसाएगा। तो पूजा जी ने बोला ये उनका है। यस थैंक यू पूजा जी, यस। अब बात करते हैं बड़े ही प्यारे हमारे टीथ,
जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। टीथ है तो स्वाद है, और अगर टीथ नहीं है तो स्वाद नहीं है। टीथ हमारे दो तरह के हैं, फर्स्ट इवन, दूसरे अनइवन। आप देखना अपने फैमिली में आसपास देखना, बाकी तो मैं सब डिटेल में बताऊंगी, पर इसके बारे में इतना टिप दूंगी कि जो भी लोग अनइवन टीथ होते हैं वो कंपैरिजन इवन वालों से स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। ये राइट है कि रॉन्ग है, अब आप बताइए। अनइवन, जैसे अनइवन का मतलब ये है कि एक दांत के ऊपर दूसरा दांत होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि ऊपर चढ़े हुए दांत, ओवरलैपिंग जी ओवरलैपिंग, बिल्कुल राइट। शालिनी जी कह रही है बिल्कुल आपने राइट, बोला, सही बोला मैडम। तो जी जी सर, अनइवन टीथ वाले स्ट्रगल ज्यादा करते हैं। यस, एहराम जी सर, आत्मा नमस्ते, थैंक आत्मा नमस्ते। यू सर, वेबिनार में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सुन रहे हैं बड़े प्यार से, पेशेंसली, थैंक यू, और आपने रिजोनेट किया इसके लिए भी थैंक यू जी। अब बात करते हैं कलर ऑफ हेयर्स, ये तो इतना मस्त बाद में टॉपिक है ना। आप टीथ में आप ये भी बताएंगे, जो उनके टीथ कम होते हैं ज्यादा होते हैं वो भी कवर करोगे किसी के? सर जो कम और ज्यादा, जैसे 28 दांत, 32 दांत होते हैं, ये सर हमारा वैदिक समुद्री शास्त्र में है, लेकिन हम जो फेस रीडिंग सीख रहे हैं ये चाइनीज फेस रीडिंग है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये जो है गैप, हमारा पूजा जी ने बोला गैप है। गैप का भी बताइए। यस पूजा जी, डेफिनेटली बताऊंगी, मैं ये पॉइंट सोच ही रही थी कि पक्का मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये मोस्टली लोगों के गैप होता है। चलिए मैं इस बात पे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। हमारे इंडिया में ना, या मैंने सुना है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, कि जिनके फ्रंट के दो दांतों में गैप होता ना यार, वो तो बंदा बड़ा लकी है। क्या सुना सही है, सही बात है। सुना है आपने? यस मैम, यस मैम, एकदम सही है, सही सही है है, ना, एकदम पक्का पक्का, नाइन पक्का नहीं है 100%, कोई, ये हमने हंड्रेड सुना है, परसेंट ये हमने हंड्रेड सुना है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही ठीक है कि गलत है, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारी इंडिया में मोस्टली ये सुना जाता है कि भाई यार वो लड़की बड़ी वो है जिसके बीच में दो दांतों के बीच में गैप है। आपको मैं एक और नई बात बताऊं कि हम इस कोर्स में कई ऐसे मिथ हैं जो हम इस फेस रीडिंग के कोर्स में तोड़ेंगे, और आप जब उन बातों को सुनोगे तो आप बोलोगे यस मैम, हम तो इतने दिनों से सुन रहे थे और ये तो कुछ था ही नहीं। हाँ ये सही है जो आप कह रहे हो। तो सबसे बड़ा मिथ मैं ये बोलूंगी कि जो लोग जिनके दांत में गैप होता है दे आर नॉट लकी। लेकिन क्या होता है, देखिए आप देखना, जिन लोगों के गैप होता है ये बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, और बातों बातों में ऐसी बातें बता देते हैं जो नहीं बतानी, और सेकेंडली बाद में फिर इनको थोड़ा दुख भी होता है कि यार मैंने क्यों बता दिया। यस बिल्कुल सही कह रहे हो, यस शालिनी, सुपर, मैं भी यही एग्जाम्पल देने वाली थी, आपने भी वही एग्जाम्पल दे दिया, थैंक यू। भाग्यशाली तो एक अलग मैटर है, लेकिन उसका प्रिडिक्शन, जो उसका नेचर, जो उसका करेक्टर, वो ये होगा कि उस बंदे को अगर हम ये भी बोलेंगे ना यार ये ना भारती किसी को बताना मत है, वो उस टाइम तो हाँ कर देगा बंदा, लेकिन वो जरूर खुद बता ही देगा बता बातों देगा। बातों। यस, सही, एकदम सही है। तो इसलिए हम इस कोर्स में जो हमारे मिथ हैं वो हम इसमें तोड़ेंगे। चलिए एक अभी बात आई है तो राजीव सर को थोड़ा खुश कर देते हैं कि सर बोल रहे हैं थोड़ा और दो और दो। तो एक और बात कि कर्ली हेयर के बारे में, हमारी जितनी भी
सोल फैमिली की फीमेल्स हैं या मेल्स हैं। अभी पीछे लास्ट में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कर्ली हेयर का। यार कर्ली हेयर की जो लड़कियां होती है ना, वो कृष्ण केश जैसी होती हैं, और वो बड़ी भाग्यशाली है, बहुत लकी है। बड़ा लोगों ने बोला यार उसके ये थोड़े घुंघराले बाल हैं, थोड़े ठीक है, मतलब लगती भाग्यशाली है। लेकिन सर आप देखना, अब नोटिस करना, अभी तो पहले आपने नोटिस नहीं किया, अब सब आप जाके नोटिस करना कि जिन लड़कियों के, जिन फीमेल्स के सिंपल प्लेन बालों के कंपैरिजन कर्ली बाल हैं, वो ज्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में। एक आध ऐसा फील्ड होगा जिसमें थोड़ा ओके ओके होगा, बट वो मोस्टली स्ट्रगल कर रही है। अब आप नोटिस कीजिएगा, राइट। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे कलर ऑफ हेयर्स की। आजकल आजकल आप देख रहे होंगे कि बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, सॉरी, बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि मिक्स कलर। मिक्स कलर। आजकल लोग बर्गेंडी कलर करवा रहे हैं, कई तरह के कलर चले हुए हैं। ऑरेंज लाल सब करवा लेते हैं। यस, तो हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम अपने कलर्स की, हेयर के कलर की, राइट। हम फिर पढ़ेंगे हेयर स्टाइल्स ऑफ वुमेन। जो भी हमारी सोल फैमिली की जितने भी फीमेल्स हैं उनके हेयर स्टाइल की बात करेंगे। अगर किसी को इस हेयर स्टाइल से, मैं आपको ये भी सॉल्यूशन दूंगी कि जिनके ऐसा हेयर स्टाइल है उनको क्या करना चाहिए। मैन के हेयर स्टाइल की बात करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगी। फिर हमारे हैं टाइप्स ऑफ माउथ। टाइप्स ऑफ माउथ भी हमारे कई होते हैं, जैसे किसी का बड़ा ब्रॉड होता है, किसी का छोटे लिप्स होते हैं। अच्छा, लिप्स तो नीचे, पहले माउथ, बड़ा माउथ। बड़े माउथ का मैं आपको दूंगी एग्जाम्पल। हमारे आप वो देखना, जो आजकल के ये बच्चे यूट्यूबर बने हुए हैं ना, क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? मेरी स्क्रीन में आप दिख नहीं रहे हो। देख रहे हैं, देख रहे हैं। यस यस, यू आर विजिबल। अच्छा, ओके, राइट। तो आप देखना जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मोस्टली उनके देखना मुंह बहुत बड़े बड़े हैं। क्या आपने नोटिस, अगर अभी तक आपने नोटिस नहीं किया तो अब आप नोटिस करना कि उनके मुंह बहुत बड़े बड़े हैं, और जिसके मुंह बड़ा होता है वो बात भी बड़ी करता है, बार बार कॉन्टिन्यूस बहुत बातें करेंगे। क्योंकि जो यूट्यूब के ये जो चैनल है, ये जो बच्चों ने आजकल खोल रखे हैं, वो उसी के बेस है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिप्स। हमारे बहुत सारे टाइप्स लिप्स होते हैं, और वो बंदा कैसा होगा, किसी का अपर लिप्स बड़ा होगा, नीचे का छोटा होगा, किसी का नीचे का बड़ा होगा, ऊपर का स्मॉल होगा, पतला होगा, राइट। किसी की एम शेप होगी, किसी का दोनों ब्रॉड होंगे। लिप्स के ऊपर मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगी। अभी देखो आपने देखा होगा हमारे फिल्म स्टार कई लोग सर्जरी करवा रहे हैं, और सर्जरी से भी हम अपना नेचर बदल सकते हैं। अगर आप सर्जरी करवा के, कुछ लोग करवाते हैं, फिल्म स्टार हो गए, दूसरे हो गए, वो सर्जरी करवाने से उनका नेचर भी चेंज होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं अभी दूं तो राखी सावंत को देखिए कि अभी उसने अपने लिप्स ब्रॉड करवाए हैं। देखे, आपने नोटिस किया? जी बताइए। हाँ, करवाई है उसने। यस मैम, लिप्स बड़े देखा है, करवाए देखा। तो देखिए वो अब उसका उसने। जो इंग्लिश हीरोइन को ना, एंजेला के ऐसा कुछ नाम, उसके भी बहुत बड़े हैं। जी, तो लिप्स जो हैं राखी सावंत को कोई चुप नहीं करवा पाएगा, राइट। तो हम इस कोर्स में लिप्स की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, और आप लिप्स से भी किसी को भी जज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए कोर्स में है टाइप्स ऑफ फोरहेड। फोरहेड आपको पता है मेनली दो तरह के फोरहेड हैं। एक आप देखो जिसको गोलाई होता है, बम, थोड़ा सा बम सा बना होता है ऊपर, और एक फोरहेड होता है फ्लैट, राइट। उसकी प्रेडिक्शन करेंगे हम। टाइप्स ऑफ आईब्रो है, टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ आईब्रो है, प्लेसमेंट ऑफ आईब्रो।
किसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। आईब्रो की भी प्लेसमेंट होती है, ये नहीं कि हम सिर्फ आईब्रो के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, उसकी प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसकी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर है फेशियल लाइंस ऑन फोरहेड, आपने देखा होगा कईयों की फोरहेड पे वर्टिकली जो है या होरिजेंटली लाइंस आती हैं, देखा होगा आपने कईयों के दो आती है आईब्रो, दो 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 आईब्रोज के अंदर वर्टिकल लाइंस होती हैं, कईयों की फोरहेड पे वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। फिर हम पढ़ेंगे लाइन, कंटिन्यू यस मैम करें आप। जी, लाइंस ऑन फेस, इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि आप देखोगे कि कईयों के आईज के किनारे पे कुछ लाइंस होती हैं या लिप्स के ऊपर कुछ लाइंस होती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पिगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किन लोगों को पिगमेंटेशन होता है, उसकी सॉल्यूशंस क्या है वो पढ़ेंगे, क्यों होती है पिगमेंटेशन वो पढ़ेंगे, राइट। फिर है हमारे प्लेसमेंट ऑफ मोड्स, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जो मोल्स हैं, आपने देखा होगा यार, हम बोलते हैं यार उसके नाक में तिल है, यार उसके यहाँ तिल है ना, होते हैं ना मोल्स होते हैं, तो ये बहुत इफेक्ट करते हैं। इसलिए मोल्स जो है वो एक इतना इफेक्टिव रोल अदा करता है हमारे, उसमें जो समुद्री शास्त्र है वो तो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे। समुद्री शास्त्र में क्या है कि जो मोल है ना उसको हम कई हिस्सों में बांटते हैं, तब हम उसकी प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो लेकिन इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे फेस के ऊपर प्लेसमेंट है मोल्स की, वो क्या प्रिडिक्ट करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा नोज हो गया, हमारे लिप्स हो गए, हमारी चिन हो गई, हमारे पूरे फेस पे जहां जहां है वो पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ चीजें ऐड नहीं की हैं, पर मैं वर्बली आपको बता दूं, आजकल कुछ लोग आंखों में लेंस लगा रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आपको ब्रीफ करूंगी। वैसे वो इस कोर्स का पार्ट नहीं था, बट मैंने उसके ऊपर जो रिसर्च की है वो मैंने एड ऑन किया है इसमें, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी लेंस के बारे में जो डलवाते हैं बच्चे। एंड देन हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, और क्या था एक टॉपिक जो मैं भूल गई थी, लेंस हो गया और फेस, अच्छा हाँ वो पढ़ेंगे रिंकल्स, जो हमारे फेस पे रिंकल्स हो जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो काफी चीजें हैं जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो आप बाकी हम कोर्स में पढ़ेंगे, इतना सर मैंने डिटेल बता दिया है। तो यू कवर्ड यस एक्सलेंट एंड आई होप कि लोगों को भी अच्छा लगा होगा। नाउ इट्स अ टाइम जी टू गेट फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ अस ऑल ऑल ऑफ अवर ग्रेट पार्टिसिपेंट। तो कैसा लगा आज का ये अभी तक का जो बहुत आशा जी अच्छा, ने आपको शेयर किया, प्लस आपके कुछ क्वेरीज हैं क्वेश्चंस हैं, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। जो आशा जी के लायक होगा वो देंगे, अदरवाइज आई विल आंसर इट। जी किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज है तो आस्क योर किसी क्वेश्चन क्वेरीज जी डाउट्स वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड। जी आई एम मैम शेयरिंग द लिंक नमस्ते ऑल्सो मैम, ऑन द ग्रुप, सो जो लोग हमारे साथ अभी तक किसी भी ग्रुप पे नहीं है, द प्लीज ज्वाइन द लिंक आई एम पुटिंग इन टू द ग्रुप। जी आप बोलें, आपका क्वेश्चन बोलें आप। सर मैं पूछ रही हूँ कि मैम जी जी बोले बोले, एक बंदा ही बारी में बोले। मैं सुप्रिया गोपाल हूँ, आपके साथ मैंने अभी ऑटो राइटिंग वाला कोर्स किया था सर यहाँ से, और जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कोर्स जो है कितने दिनों का है। ओके ये कोर्स 1 महीने का कोर्स है, 1 महीने में 8-9 क्लासेज होंगी इसमें। अच्छा सैटरडे संडे जैसे इट्स नॉट पिछले बार सैटरडे कोर्स, संडे, इसकी सैटरडे संडे क्लासेज नहीं है। शेड्यूल सर के टाइम अकॉर्डिंगली इसकी क्लासेज हैं मंडे एंड थर्सडे 7:30 सेवन यस थर्टी इवनिंग में ना सर। इवनिंग में। हाँ इवनिंग इवनिंग ओके 7:32, सर कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की नॉर्मली सर। 1.5 से 2 घंटा। राइट अच्छा ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी बोले बोले, आप कुछ पूछ रहे थे बताएं। सर आशीष बात कर रहा हूँ। जी सर बस एक क्वेश्चन था कि ये टाइमिंग जो है 7:30 का ही होगा ना, बिकॉज ऑलरेडी मेरी दूसरी क्लास चल रही है विच इज एट 9 o'clock रात को जो है, ये अभी टाइमिंग मेरे सेवन को थर्टी का एग्जिट जो करना है।
हाँ जी सर, ये सॉरी। टाइटिंग 7:30 का ही है क्योंकि शेड्यूल चेक करके टाइमिंग शेयर किए हैं आपको, सो दिस इज 7:30 टाइमिंग, ओके, और हफ्ते में 2 बार होगा, हफ्ते में 2 बार होगा। और ये नॉर्मली जो कोर्स क्लासेस है हम, सर, जी बोले आप बोले। हाँ ये कोर्स ये बेसिक में है या उसके बाद कुछ एडवांस होगा, ये पूरा ये कवर अप कर लेंगे सर इसमें ही, कैसा किसी भी कोर्स होगा का अंत कभी नहीं होता, एक तो ये सर? समझिएगा। हाँ वो तो है सर, वो तो है सर, सो मैं बट समझ दिस सकता हूँ, कोर्स बट इज गुड एनफ टू डू दी प्रैक्टिस, ओके। देयर इज नो। जी आप बोले आशा जी। मैं एक बात ऐड करूंगी आशीष जी, ये जो हमारा कोर्स है ये पर्सनालिटी प्रिडिक्शन कोर्स है, राइट? ओके लेकिन हमारा जो समुद्री शास्त्र, वैदिक समुद्री शास्त्र का जो कोर्स है उसमें हमारे पेरेंट्स के बारे में पता लगेगा, हमारी हेल्थ के ओके बारे में पता लगेगा, हमारे पार्टनर के बारे में पता लगेगा, हमारा फाइनेंस के बारे में पता लगेगा, करियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, वो पूरा ही उसमें पता लगता है। अभी ओके ओके अभी अभी जस्ट आपको सिर्फ पर्सनालिटी प्रेडिक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि आप कहीं, अगर कहीं धोखा मिल रहा है तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए कि यार बंदे को पहचानने की, जो अभी तक इस एज में हम आ गए हैं, मैं भी आपकी एज की हूँ, तो अभी हमने नहीं, हमें इंसान पहचानने की नहीं है, है ना? तो अभी जब हम इस कोर्स को राइट करेंगे तो हमें थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन हमें थोड़ा नॉलेज मिलेगा, तो हम थोड़ा सा चीटिंग से बच सकते हैं। गॉट इट मैम। मैम एक जी कहना चाहता हूँ कि आपका सिखाने का तरीका जो है बहुत अच्छा है, आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है। ओनली थिंग मैंने मैसेज भी डाला था, मुझे अभी थोड़ा एग्जिट करना पड़ रहा है। डेफिनेटली यस, आई विल बी ट्राइंग टू ज्वाइन द क्लास। मैं आपको कंफ्यूजन यही की था बिकॉज ऑलरेडी मेरी एक 9 बजे की क्लास चल रही है, अगर वो थोड़ा क्लैश होता था तो थोड़ी दिक्कत थी, बट अभी जैसे सर ने कहा कि 7:32 अगर 9 भी होता है, और बट ऑब्वियस रिकॉर्डिंग्स तो शायद मिलेंगे ही मिलेंगे इसकी, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा मैम ज्वाइन करने के लिए। जी, ओके मैं इसकी सब एग्जिट रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ बिकॉज मिलेंगी। ऑलरेडी मेरी दूसरी क्लास लाइंड अप है 9 बजे यस की। आशीष थैंक जी, यू मैम, थैंक थैंक यू यू वेरी फॉर मच सर, थैंक ज्वाइनिंग। यू अगर सो आप मच। हमारे किसी यस ग्रुप में नहीं आशीष जी, तो मैंने लिंक दिया चैट में, प्लीज ज्वाइन द लिंक। ओके सर, ओके श्योर श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, थैंक यू जी। एनी अदर क्वेश्चन? बोले आपके क्वेश्चंस बोले सो दैट वी कैन मूव ऑन। आई मीन इफ देर इज नो क्वेश्चन, There आई is एम no पुटिंग दी question. स्क्रीन। किसी का माइक, डबल माइक खुला है। ये 26 अगस्त से स्टार्ट होगा, आज 12 अगस्त है, 26 अगस्त से शुरू किया है ये कोर्स, और 1 महीने का कोर्स है। मंडे थर्सडे 7:30 PM है। वी विल सी, किसी का रिक्वेस्ट है ट्यूसडे के लिए, वी विल सी इफ ट्यूसडे पॉसिबल एज पर शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल देखना पड़ता है, हमारा टाइम टेबल होता है इसका। करीब इसमें 18 क्लासेस नहीं है, ये गलत लिखा है, 8 क्लासेस हैं, 1 इज एक्स्ट्रा हेयर। सो 8+ यानी कि 8 या 9 क्लासेस में रहेंगी। नॉर्मली 8 इसलिए कि 4 हफ्ते होते हैं, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 या 9 क्लासेस तक जाती हैं। नॉर्मली 2 आवर्स की क्लास रहती है, 1.5 से 2 घंटे की। रिकॉर्डिंग्स इसमें मिलेगी, डाइट डाउट क्लियरिंग, प्रैक्टिकल सेशन, एकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट, ये सब चीज़ें इसमें मिलेंगी, सर्टिफिकेट, कम स्टडी नोट्स सब है। ये कोर्स इज अ मोस्ट रिजनेबल कोर्स डिजाइन किया है हमने, सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट। दीज आर दी डिटेल्स जहाँ से आप पेमेंट्स कर सकते हैं इस कोर्स की, और इस कोर्स की फीस है मात्र 1100 रुपये। इसमें कोई मेंबर्स या नॉन मेंबर्स एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी अ मोस्ट रिजनेबल कोर्स फीस डिजाइन, राइट? सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड नॉन मेंबर कोर्स फी, नॉर्मली वो हम रखते हैं, लेकिन वो कोर्स में एक फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम रखते हैं डिफरेंस। हेयर इट इज फ्लैट 1100, एंड ये नंबर्स हैं, यू कैन क्लिक द पिक्चर्स। इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एकेडमी पे, ये एकेडमी के दोनों नंबर हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनकी पिक्चर ले सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स अबाउट दी कोर्स एंड दी जर्नी। अब आपका किसी और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क सर आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी जी। रिकॉर्डिंग मिलेगी कहाँ पे सर सारी, आज? रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी सारी, आज की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। हाँ, लिंक लिंक दीजिए ना सर। गुरुजी ज्ञान अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ गुरुजी ज्ञान। गुरु जी मैम, ओके गुरुजी ज्ञान, GURUJEE GYAN। आई एम, आप यहाँ पे देखें, यू कैन टेक अ स्पेलिंग फ्रॉम हेयर, आप स्पेलिंग ले सकते हैं यहाँ से, GURUJEE GYAN, गुरुजी ज्ञान। आप ये अच्छा स्पेलिंग डालेंगे तो आपको यूट्यूब पे चैनल हमारा, वहाँ पे आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्लास की रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन में मिलेगी,
टीम विल असिस्ट यू टू डाउनलोड एप्लीकेशन। जो लोग ऑलरेडी हमारे मेंबर्स हैं उनके पास एप्लीकेशन ऑलरेडी उसी एप्लीकेशन में आएगी, और जो लोग नए होंगे फर्स्ट टाइम होंगे उनको एक बार टीम असिस्ट करेगी टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, और सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास एप्लीकेशन पे आएंगी, सारे नोट्स आपके पास एप्लीकेशन पे आएंगे, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक जर्नी। आज आपने देख लिया एक सैम्पल, इट वॉज जस्ट ए इवन नॉट इवन टेस्टर, ठीक है। टेस्टर में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, ये तो टेस्टर से भी कम था आज। ये स्टार्टर भी नहीं नहीं था, स्टार्ट सॉरी सोनल जी नहीं गुरु जी ज्ञान में आते जी तो दिस इज फंटास्टिक कोर्स, जर्नी बहुत अच्छी है। इस कोर्स के बाद आप लोगों के साथ बैठ के जब वार्तालाप करोगे तो आप लोगों के फीचर्स ही देखते रहोगे कि इसके फीचर्स कैसे हैं और इसके कैसे हैं। करेक्टली एक्सप्लेन भाई आशा जी, जब आप लोगों के फेस देखेंगे रीडिंग करेंगे तो आपको मजा आएगा, बहुत अच्छा लगता है जब हम सामने वाले के बारे में बिना कुछ पढ़े उसके फेस से जान जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ साइंसेस बहुत अच्छी है, लाइक फेस रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेट साइंस, पामिस्ट्री इज वन ऑफ द ग्रेट साइंस, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ट बनाने के लिए कुछ भी बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। रीडिंग लाइंस इवन दो इट इज फेस और ए पाम और ए फिट, इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि ये आपके पास लाइव होता है। चार्ट बनाना कुछ करना इसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बट ये लाइव है, इसमें कुछ नहीं चाहिए आपको, योर नॉलेज ओनली। सो दिस गोइंग टू बी ए ग्रेट जर्नी। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कीप ज्वाइनिंग फास्ट। जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं 26 से पहले तो फीस रिमेन सेम, दोज हु आर ज्वाइन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द कोर्स द फीस मे वेरी, सो प्लीज़ ज्वाइन द कोर्स बिफोर द स्टार्टिंग, जितना जल्दी करते हैं। एक एडवांटेज ये है इस कोर्स में, नॉर्मली इस फीस के कोर्स में हम एडवांटेज ये नहीं देते अकेडमी में टू बिकम ए मेंबर, क्योंकि मेंबर बनने से फीस के बेनिफिट्स प्लस अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं अकेडमी के। हम आज अभी इस फेस रीडिंग के कोर्स पे ये बेनिफिट दे रहे हैं, नॉर्मली हम 1100 वाली फीस पे देते नहीं है बेनिफिट ये, बट टू स्टार्ट विद फेस रीडिंग तो वी आर गिविंग दोज हु एनरोल दे बिकम द मेंबर, और उनको जो मेंबर बेनिफिट्स होते हैं अकेडमी के वो उनको सारे प्राप्त होंगे आगे जो भी कोई एनरोलमेंट्स करते हैं। तो दिस इज द एडेड एडवांटेज दैट वी आर शेयरिंग विद यू। इसके अलावा किसी को कोई अपना फीडबैक शेयर करना है आज की जर्नी पे, आशा जी की ने जो पढ़ाया है उसके ऊपर, यू कैन टॉक नाउ, इट्स योर टर्न। अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो इट इज़ गुड, इट विल बी ए ग्रेट रिस्पेक्ट टू दी टूडेज फैकल्टी। आशा जी अगर आपके वीडियोस ऑन होते हैं तो ये एक रिस्पेक्ट आपकी तरफ से आशा जी को, एंड आप अपना कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, अच्छा था नहीं था, इम्प्रूवमेंट चाहिए था, वॉट एवर यू फील लाइक, यू फील गुड बैड वॉट एवर यू कैन से, इफ यू नीड यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क क्वेश्चन जी, क्विक नो फीडबैक। तो क्या समझे, मजा नहीं आया? अगर आप सर 2 घंटे से यहाँ बैठे तो मजा तो आया नहीं, सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत एक्चुअली भूल गई थी कि आज का सेशन है, और मैं बहुत लेट में आई थी 8:30 पे, तो मुझे लगा कि अरे सर मेरा तो सब छूट गया, लेकिन मैम अच्छा पढ़ा रही थी, क्योंकि थोड़ा ही सुनी लेकिन बहुत इंटरेस्ट फील हो रहा था, तो अच्छा लगा मुझे तो। और थैंक यू पूरा वीडियो सोनल, मैं इसका देखूंगी बाद में बैठ के, अच्छा लगा, श्योर इंटरेस्ट। थैंक थैंक यू। यू सर्टिफिकेट सर, मिलेगा किसी का क्वेश्चन तो सर्टिफिकेट मिलेगा, यस सर्टिफिकेट मिलेगा थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी। सर थैंक यू सो मच, मैम को भी सर आपको भी सर। वैसे एकेडमी में बहुत अच्छे कोर्स आ रहे हैं, हम फायदा ले रहे हैं सर। एक नए कोर्स के लिए थैंक यू हमें देने के लिए, और मैम ने बहुत अच्छा बताया सर, और मैं पक्का डेफिनेट ज्वाइन करूंगी सर। थैंक थैंक यू यू थैंक सो मच, थैंक यू यू मैम, थैंक थैंक यू रितु जी, थैंक यू यू मैम, मैम, थैंक थैंक यू सो यू मच सर, मैम ज्वाइन कर लिया, थैंक सो मच, यू थैंक यू। सो थैंक यू थैंक सो यू नाइस सर। ऑफ यू फॉर गिविंग योर 2 आवर्स, राइट। सो आप सबका टाइम शुभ हो आज का, और आप सबका आई होप कि आप सबने गेन किया होगा। लेट्स सी यू इन दी कोर्स 26 अगस्त से, सबको आपको हम कोर्स पे देखना चाहेंगे, गेट एनरोलमेंट फास्ट। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद आप सबका, थैंक थैंक यू यू आशा जी, थैंक यू। सर हाँ मैं, कितने दिन का कोर्स है ये, कितने जी 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 बोले बोले दिन का कोर्स होगा? मैडम, ये कोर्स आएगा 1 महीने का, 1 महीने में अच्छा कोर्स में 8 से 9 क्लासेस होंगी, राइट, एवरी वीक 2 क्लासेस, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक एक यू चीज और पूछना है सर, जी, मान बोलिए। लीजिए बाय द वे कभी होता है ना लाइव सेशन हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए रिकॉर्डिंग कभी हम मिलेगा, बाहर गए तो रिकॉर्डिंग से कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं? रिकॉर्डिंग ओके सर, मिलेगा, ठीक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, है, नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक थैंक यू सो मच। हेलो, है जी। जी मंजू जी, आपने स्पीकर ऑन किया, बताएं आप। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम।
हाँ थैंक यू, क्लास बहुत अच्छा सर, बहुत धन्यवाद सर, मैडम को भी आपको भी। थैंक यू मैडम। मेरा एक दिल में एक चीज हो रहा है, एक कमी है, हफ्ते में 7 ही दिन है, और भी 2 दिन ज्यादा होगा तो उसके लिए अभी आपकी वास्तु क्लास में हूँ, लामा तीरा कर लिया और हुंकारा कलीम कर दिया और वायलेट फ्लेम कर दिया। मैं वही सोच रही हूँ हफ्ते में 10 दिन होगा तो 2 दिन छोड़ के बाकी और इसलिए हम कुछ क्लास थैंक यू कमला जी फॉर इट्स अ कॉम्प्लीमेंट रहता आई वुड से। बहुत अच्छा लग मैं एक चीज रहा और जी आप बोले पहले। है सर। और हाँ वही है सर, बहुत अच्छा लगा, मैं भी लास्ट में ज्वाइन किया, हाफ एन आवर ही सुन रही थी, फिर भी अच्छा लगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे बिना बोले बिना बताए किसी का फेस देखे रीडिंग करने में हम अपने आप में सावधान हो सकते हैं ना, स्पेशली। थैंक यू यस एंड थैंक यू मिस मैम। थैंक यू। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा। वन ऑफ द रीजन जब ये काफी सब लोग काफी कोशिश करते हैं, कुछ हमारे यहाँ से कर रहे हैं, कुछ बाहर से भी करते हैं, और क्लैशेस हो जाते हैं, कई रिकॉर्डिंग्स नहीं देख पाए, सब टाइम नहीं मिला, ऑफिस का काम है, घर का काम है, छूट गया लाइव क्लास, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फॉर दैट मैटर रिकॉर्डिंग मिलती है, फॉर दैट मैटर अगेन कोर्स कैचअप ही नहीं कर पाए, उसको फॉलोअप ही नहीं कर पाए। दैट्स द रीजन वी ऑलवेज बिलीव इन रिपीट फ्री, बिकॉज हमें पता है ये समस्याएं आती हैं, हमने समस्याएं फेस करी हैं, देखी हैं, और हम कभी भी इसलिए रिपीट का कोई चार्ज नहीं करते। रिपीट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पार्टिसिपेंट ऑलरेडी कर रहे हैं आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं लगे कि उनको रिपीट चार्ज किया गया हो तो प्लीज लेट मी नो ऑल्सो, आई विल ऑल्सो टेक केयर विद माई टीम। सर मैं इसका उदाहरण हूँ ना, हाँ आप इसके मैं करीब दौरान 7-8 कोर्स कर रहा हूँ और लगभग सब में रिपीट हो चुका है। बड़ा ठीक बड़ा है मतलब अभी ये नहीं कि छोटा छोटा ही घर, मतलब मैं तो लाल किताब का 20-20 21-21 हज़ार का कोर्स कर रहा हूँ, फिर भी रिपीट मेरे को हो रहा है। नमस्कार जी, इरिस्पेक्टिव वैल्यू। सर, मैं भी इसका नमस्कार उदाहरण हूँ। नमस्कार। बहुत बढ़िया हाँ रितु जी सॉरी जी अपना नाम लिखो यहाँ सर, पे। एक्चुअली क्या है ना, मैं पहले मैम ने ज्वाइन किया था, मैं अभी अभी आया, मैंने लास्ट में ना 15-20 मिनट का ही देखा है, मैं देख नहीं पाया ओके तो, ओके लेकिन जो भी ओके बताया मैम ने काफी अच्छा लगा, तो मैम वही बता रही थी इसलिए मैंने कहा ये चलो आप। सर मैं अभी मैं इनका प्रेडिक्शन अभी करता हूँ, इनका तो 5 तक जा पहुंच जाएगा ना ये ऊपर का, तो बहुत स्पेशल होंगे आदमी भी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक ग्रेट सर, क्विक सो थैंक यू जी। मंजू जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोले बोले। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी क्लास ली, मैंने बहुत पूरा तो नहीं सुन पाई बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट जितना भी सुना बहुत अच्छा था, और थैंक थैंक यू सो मच, इतना ही बोलूंगी मैं। आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा, बहुत कुछ समझ में भी आया। इनफैक्ट बस मैंने जी एक चीज मिस की, आईज के कलर का, क्योंकि मेरा खुद का आईज ब्राउन है तो मैं वो सुनना चाहती थी लेकिन मैंने वो मिस किया, बट एनीवे मैं शायद वो क्लास में सीखेंगे मंजू मैम। वो हाँ जी वहां क्लास में आएंगे करेंगे जी। हाँ जी और आज की आई रिकॉर्डिंग देखने के लिए हमें आज की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, यूट्यूब में कल मिल यूट्यूब पे जाएगी। आ जाएगी, कल हमारा जो चैनल है गुरुजी ज्ञान का उसके उस पर यूट्यूब पे आ जाएगी कल। थैंक ओके थैंक यू सो मच, यू थैंक एंड यू बिल्कुल सो बढ़िया मच। बोला आपने, ये आईज के कलर ये बड़े इफेक्ट करते हैं, ये लोगों को क्लियरिटी नहीं आती कि इसका क्या मीनिंग आ रहा है। यस ऐसे छोटी छोटी बारीकियां होती हैं बहुत मैटर करते हैं, और खास तौर से बिटवीन द लेडीज बहुत मैटर करती है ये चीजें। सो यस इट्स अ गुड पॉइंट रेज भाई मंजू जी। राजेश थैंक यू अग्रवाल जी बोले। हाउ टू रजिस्टर दिस फॉर दिस प्रोग्राम एंड यू टोल्ड अबाउट दिस मेंबरशिप समथिंग। इट्स वेरी इजी, दिस इज दिस नंबर्स ऑन दी स्क्रीन, ये नंबर्स पे पेमेंट कर सकते हैं, यू विल गेट रजिस्टर, और ये नंबर्स दिए साथ में, इन नंबर पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये दो नंबर पे कम्युनिकेशन है, इन दो नंबर पे पेमेंट किया जा सकती है, 1100 रुपये इसकी मात्र फीस है, और ये रजिस्ट्रेशन का तरीका है इसका। और जहाँ तक मेंबरशिप की बात आ जाती है, जब मेंबरशिप हो जाता है, जब व्यक्ति दो इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिलते हैं उनको, एक पहला बेनिफिट मेंबर्स की फीस नॉर्मली के कोर्सेज के अंदर कम रहती है कंपेरेटिव टू दी न्यू मेंबर, तो उनकी फीस में थोड़ा डिफरेंस आता है, सब्जेक्ट मैटर करता है कि सब्जेक्ट क्या है और कोर्स का स्ट्रक्चरल फीस डिजाइन कितना, उसके हिसाब से थोड़ा वेरिएशन रहता है उसमें।
एक बेनिफिट जो मॉनिटरी है, जो एकेडमिक बेनिफिट है, जो कंटिन्यूअस मेंबर आते हैं उनको रिकॉर्डिंग लंबी चलती जाती है उनकी भी। उनकी भी ऐसा नहीं है कि हम रिकॉर्डिंग को समय के बाद बंद कर देते हैं। कई कई लोग यहाँ पे हमारे साथ 3 3 साल से हैं, 4 4 साल से, तो उनकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। सो दो बी पार्ट ऑफ द एकेडमी एंड बी ए मेंबर एंड बी कंटिन्यूअसली कनेक्टिंग विद द एकेडमी, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी चलती जाती है ताकि उनका उनको चलता रहता है। अनदर थिंग इज दैट पेपर हम रिपीट मल्टीपल टाइम्स से देते हैं, खासतौर से द कोर्स यूजली आई टेक एज ए वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी के कोर्स या न्यूमरोलॉजी के जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, आई यूजली गिव मल्टीपल टाइम्स रिपीट फ्री। नॉर्मली रिपीट फ्री वंस होता है, बट आई कंसिडर रिपीट फ्री मल्टीपल टाइम्स। मैं दो एक की बार जगह 2 या 3 बार भी रिपीट फ्री कर देते हैं, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लिया भी है। मीना जी ने लिया, यहाँ बैठी हुई है, सिर्फ भी ला रही है। हाँ ठीक है, ये मैंने आपका एक ग्रुप आया था, जो लिंक आया था उसमें ग्रुप था ज्वाइन करने के लिए। आई जी जॉइन दिस जी ग्रुप फेस रीडिंग, तो आई विल जी पे देयर। तो मेंबरशिप जी का क्या फीस है आपका? कुछ नहीं, आपने एनरोल किया, यू बिकम ए मेंबर, नो सेपरेट फीस। दैट्स व्हाट आई सेड, इस कोर्स के अंदर ये एडवांटेज हमने दिया है कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, यू विल बी अ डायरेक्टली मेंबर टू द एकेडमी। देयर इज नो एडिशनल चार्ज, नथिंग। अदरवाइज मेंबरशिप फीस अलग है कुछ? अदरवाइज मेंबरशिप फीस में, जब आप एनरोलमेंट करते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो उसमें डिफरेंस होता है फीस में। द इनिशियल ओके, इसमें फीस नहीं इज है। लिटिल हायर, इस केस में ओके नहीं है। इस केस में हमने 1100 रुपये हमारी मेंबर फीस थी, वही हमने न्यू पार्टिसिपेंट को भी दे दिया एज एन ऑफर। ओके ओके, बट वी विल बिकम मेंबर। थैंक यू विल बिकम अ मेंबर, यू। राइट? दिस इज द थिंग। एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू नो क्विक? कुछ और बात करना किसी को? अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। आप सबने काफी अच्छा कीमती समय दिया अपना, एंड थैंक यू फॉर योर ऑल योर टाइम एंड एनर्जी। सर सर थैंक जी सोनू जी। नेक्स्ट स्टेशन कैसे पता चलेगा कब मैडम मैंने एक ग्रुप में लिंक दिया है, कृपया करके ग्रुप में लिंक ज्वाइन है? करें, हाँ उसमें सारा सर, डिटेल आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। फेस मैंने नंबर भी रीडिंग। शेयर किया आपको, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था आपको, ले लिया होगा ही हो हाँ, लिया लिया। है ना, तो उन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आए ना, आप गूगल पे गुरुजी क्या लिखोगे तो नंबर आ जाएंगे एकेडमी के, ठीक ओके है? सर, ठीक है, थैंक तो यू आप सर। एकेडमी से संपर्क करेंगे, आपको एकेडमी पूरी डिटेल देगी। अगर आपको एकेडमी की टीम पूरी डिटेल नहीं देती है, वहाँ पे गुरु नंबर मेरा भी आएगा, आप मेरे को संपर्क कर लीजिए डायरेक्टली, मैं आपको डिटेल शेयर करूँगा, ठीक है? डन, चलिए, थैंक यू, नमस्कार सब लोगों को, धन्यवाद एंड शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू आप सभी। यू।